हेलो एवरीवन, मैं हूँ आकांक्षा और आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको मुरमुरे और गुड़ के क्रंची लड्डू बताने वाली हूँ। इसको बनाना बहुत इजी है, तो चलिए बनाते हैं मुरमुरे के लड्डू। मैंने यहाँ पे 3 से 4 कप मुरमुरे ले रखे हैं यानी राई, और 1 कप मैंने गुड़, ये जैगरी ले रखा है, ये ऑर्गेनिक जैगरी है, इसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है। और हम देखें तो ये 100 ग्राम्स मुरमुरे हैं और 250 ग्राम जैगरी है। तो सबसे पहले मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है, हाई फ्लेम पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई को हम गरम होने देंगे। हमारी कढ़ाई गरम हो गई, अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। जो जैगरी इज़ अ रिसोर्स ऑफ आयरन, तो आप गुड़ का ही यूज़ करें। आप चाहें तो ग्रेट करके भी गुड़ डाल सकती हैं। अब आप गैस का फ्लेम जो है एकदम लो कर लीजिए, और अब हम गुड़ के पिघलने का वेट करेंगे। इस पे हमें कोई इंग्रेडिएंट और नहीं डालना है, सिर्फ गुड़ और मुरमुरे से ही ये लड्डू बन जाते हैं। ये विंटर्स में ही बनते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। और अगर आप इसके लड्डू ना बनाना चाहें तो आप जो है इसकी पट्टी बना सकती हैं, इसको आप जमा के। देखिए गुड़ पिघलना स्टार्ट हो गया है। हम कोशिश करेंगे कि गुड़ में बिल्कुल भी लम्स ना रहें, इसकी एक बहुत ही स्मूथ कंसिस्टेंसी हो जाए। हम इसको चलाते हुए रहेंगे, गुड़ को बिल्कुल नहीं छोड़ना है वरना ये जल सकता है। इसको कंटिन्यू स्टिर कर लीजिए 1-2 मिनट के लिए। अभी भी मुझे कुछ लम्स दिख रहे हैं। 1-2 मिनट हिलाने के बाद आप देखेंगे कि गुड़ की बहुत ही स्मूथ कंसिस्टेंसी हो गई है, देखिए जैसा हमें चाहिए है। अब यहाँ पे इसका एक सीक्रेट फॉर्मूला है कि हम गुड़ को कैसे चेक करेंगे कि गुड़ रेडी है कि नहीं मुरमुरे डालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने एक कटोरे में पानी ले लिया है, मैंने एक स्टील का कटोरा लिया है और इस पर मैंने पानी ले लिया है। इस पर अब हम कुछ ड्रॉप्स इस जो हमारा गुड़ का बैटर है ये डालेंगे और देखेंगे। ये देखिए, इसको हल्का सा घुमाइए, ये देखिए ये पानी के साथ नहीं मिल रहा है। अगर ये पानी में आपका गुड़ जो है वो घुल जाएगा, इसका मतलब अभी आपका गुड़ तैयार नहीं हुआ है, आप उसे 1-2 मिनट और पकाइए। ये देखिए, मैं दोबारा से एक बार और आपको डाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल एकदम जम जा रहा है पानी में डाल के, इसका मतलब आपका गुड़ रेडी हो चुका है मुरमुरे डालने के लिए। इसको एक बार और हिला लीजिए 1-2 सेकंड के लिए। अब हम इस पे मुरमुरे डालेंगे, हम मुरमुरे एक साथ नहीं डालेंगे, इसको बैचेस में डालेंगे। पहले एक बार डाल के हल्का सा इसको गुड़ के साथ मिक्स कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा और डालेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप गुड़ की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा सा और। तो मैंने इसमें 3 कप्स जो है वो मुरमुरे डाले हैं, थोड़ा मैंने बचा के साइड रख लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी जो गुड़ की जो हमने बना रखी है इसका बैटर, ये मुरमुरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, 1-2 मिनट हम इसे और मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स है, अब हम जो है इसको एक बार और हिलाएंगे ताकि जो गुड़ है वो मुरमुरे के अंदर अच्छे से चले जाए। ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और 1-2 मिनट इसके ठंडे होने का वेट करेंगे। 1 मिनट हो चुका है, आप देखिए ये हल्के से ठंडे हो चुके हैं। अब मैंने एक कटोरे में पानी ले लिया है, पानी को हम अपने हाथ में लगाएंगे और इससे हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। हाथ में को बिल्कुल भी आप घी या तेल से ग्रीस मत कीजिएगा, इसको आप हाथ में पानी से ग्रीस कीजिएगा। और ये देखिए, हल्के हल्के प्रेस करके आपको लड्डू बनाने हैं। थोड़ा केयरफुल रहिए क्योंकि जो मुरमुरा है और गुड़ के साथ चाश जो बैटर है वो थोड़ा गर्म है। ये देखिए कितना सुंदर लड्डू बन के रेडी हो चुका है, ये बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। इस तरीके से फिर से मैंने पानी लगा लिया, अब हम अपना सेकेंड लड्डू बनाएंगे। देखिए हमारा दूसरा लड्डू भी बनके रेडी हो गया। इस तरीके से हम अपने बाकी लड्डू भी बना लेंगे। मेरे मुरमुरे के या आप कह सकते लाई के लड्डू बनके रेडी हो चुके हैं। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में 1 महीने तक रख सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें, और एक बार आप इस रेसिपी को मेरे वर्जन से ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय गाइस।